हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केळकर है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ जो कि महाराष्ट्र में है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, जिसमें लिखने में तकलीफ़ होती है, वर्ड्स पहचानने में तकलीफ होती है, लेटर्स पहचानने में तकलीफ़ होती है, पढ़ने में तकलीफ़ होती है, उसका ही तीसरा जो टाइप है उसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं। जो अगर बच्चे में है तो उसे मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम जाती है, मैथमेटिक्स की सारी फंक्शंस में प्रॉब्लम जाती है। यानी कि जब बच्चे की मैथ्स का जो स्टैंडर्ड वाइज जो लेवल बढ़ जाता है बढ़ता है धीरे धीरे, तो प्रॉब्लम्स आने लगती है और मार्क्स कम मिलते हैं, समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता बच्चा। तो इसमें क्यों होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो डिसकैलकुलिया में ऐसा होता है कि बच्चे को नंबर्स पहचानने में तकलीफ़ होती है, नंबर्स का जो मीनिंग है, नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में तकलीफ़ होती है। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैथ्स के लिए, हम सबको पता है कि एक बड़ा सा एक पैराग्राफ होता है कि अगर इफ़ मतलब एक सिचुएशन होती है उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं मैथमेटिक्स के लिए और उसका एक सॉल्यूशन निकालना होता है, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस है वो समझने में तकलीफ होती है, तो वो बच्चा कर ही नहीं पाता, सॉल्व नहीं कर पाता। तीसरी चीज़ है जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविज़न, ये जो सारी कॉन्सेप्ट्स है इसमें भी डिफ़िकल्टी होती है समझने में। तो कैलकुलेशंस इज़ अ बेसिक थिंग इन मैथमेटिक्स, तो उसमें गड़बड़ होने की वजह से सारा जो मैथ्स है उसमें ही प्रॉब्लम होता है और मार्क्स तो कम आते ही है। तो अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम्स जा रहा है, अगर बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए, इसका जो अवेयरनेस है वो बढ़ना चाहिए कि ऐसी भी कोई बीमारी है जिसमें ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं, ब्रेन में कुछ वायरिंग्स ज़रा डिफेक्टिव होते हैं, उस वजह से ये होता है। तो अगर बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो ये तो नहीं है, इस बारे में पेरेंट्स ने ध्यान रखना चाहिए और ये हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आप कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए जाए तो आपको समझ सकता है कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। तीसरी चीज़ जो है, मैंने जैसे बताया कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं आते मैथ्स के, जो साइंस है सब्सट्रैक्शन, डिविज़न, ये समझ में नहीं आते, नंबर्स जो है उसमें प्रॉब्लम्स जाते हैं, और चौथी यानी लिखने में तो प्रॉब्लम होता ही है, और जिसमें डिसकैलकुलिया है उसको लिखने और पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर साथ में आए तो पढ़ाई में कमज़ोरता हो सकती है। और ये जो है, अगर आप किसी के पास जाए तो डायग्नोज होने के बाद आप ज़रूर इस बारे में कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ अकोला में प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके कुछ काम का आया हो या आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।